हेलो फ्रेंड्स, दिस कुछ और वेलकम टू पिचाल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap। 2ap दे रखी है उनकी nth टर्म जो है, एंड ये क्या भी दे रखा है, ये क्या भी दे रखा है, वो इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है इनके nth टर्म। अब हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों APs में, ठीक है। चलिए करते हैं। और ये दोनों AP क्या है, इक्वल AP1 AP2 यहाँ AP1 क्या है, AP1 लिख लेते हैं हम, AP1 63 ये है, लेकिन AP1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना, n-1d इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हो गया, ठीक है। तो ए क्या है यहाँ पे, 63 प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पे ये डी क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू में ए क्या है यहाँ पे, 3 प्लस एन माइनस वन, डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम, अब यहाँ पे 63 प्लस 2 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं तो 2n-2 हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ 3 प्लस 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, 7n-7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, चलिए तो 63 में से माइनस 2 कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 61। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 7 में से माइनस 3 4 आ जाएगा, यहाँ प्लस 2n, यहाँ प्लस 7n। अब ये 4 इधर चल जाएगा, प्लस ये 2n इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो 4 इधर चल जाएगा, 61 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया ये 7n-2n, तो यहाँ क्या आ गया, 5n, यहाँ क्या आएगा, 65। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 65/5 ये आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड है, तो 5 से कट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 13 आ जाएगा। n इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, 13, जो हमें फाइंड करना था, n की वैल्यू आ गई 13 जो हमें फाइंड करनी थी। बस ये क्या इसके वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना मत।